नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है जो नीदरलैंड यूएसए कनाडा की ट्राई सीरीज चल रही है, आज उसका मैच है फाइनल। जी हाँ, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए के बीच इस ट्राई सीरीज का लास्ट मैच खेला जाएगा और इस ट्राई सीरीज के हर मैच में हमने बहुत प्रॉफिट बनाया है। कल के मैच में भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला था टेलीग्राम पे, अल्ट्रा क्लीन स्वीप था। और आज का मैच देखिए, आपको लास्ट मैच यूएसए वर्सेस नीदरलैंड वाला याद होगा, एक वन साइडेड हुआ था। नीदरलैंड ने 200 प्लस किए थे और जो यूएसए की टीम है वो शायद 115-16 रन बना पाए थे, बट शायद वो रिपीटेबल नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है वैसा मैच, लेकिन रिपीटेबल नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो इस मैच के लिए फाइनल मैच है ये, इस मैच में भी हमें प्रॉफिट बनाना है। कैसे टीम बनानी है, क्या कुछ करना है, कैसे करना है, इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस मैच को लेके। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, ऑब्वियस आपको जुड़ जाना चाहिए, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे जुड़ने का पैसे नहीं लगेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, देखिए जो मैं वीडियो में टीम बताता हूं उसमें टॉस के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब वो चेंजेस होंगे तो आपको कैसे पता चलेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे यहां पे पता चलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं। स्पोर्ट्स पार्क में ये मैच खेला जाएगा नीदरलैंड में। स्पोर्ट्स पार्क की जो पिक है, जो पिच है, वो बैट्समैन प्लस बॉलर्स के लिए मुझे अभी तक इक्वल लगी है। कल यूएसए का भी मैच था, यूएसए ने भी ठीक ठाक किया, तो बढ़िया विकेट मुझे लगा है। विकेट्स भी जा रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कम से कम 14-15 विकेट्स जा रही है, बैटिंग से रन्स भी आ रहे हैं। तो आपके लिए देखिए, जब एक ऐसा विकेट होता है ना जहां पे सारा कुछ इक्वली जा रहा है, 14-15 विकेट्स भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी अच्छा कर रहे हैं, वो मैच बड़ा रिस्की होता है वहां पे टीम बनाना, क्योंकि वहां पे आपको एग्जैक्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहां पे आपके लिए इस वेन्यू पे एग्जैक्ट प्लेयर कौन से हो सकते हैं, एग्जैक्ट प्लेयर कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी बैट्समैन और बॉलर्स के लिए इक्वली बढ़िया विकेट है, रन्स बनते हैं, रन्स बनेंगे। 160-170 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बनने चाहिए, स्पेशली नीदरलैंड साइड से। 13 मैच खेले गए, 8 बैटिंग फर्स्ट ने, 5 चार्जिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न देखना, 150 से नीचे 4 बार बनाए और 150 और 170 के बीच का 9 बार, जो कि एक कल का मैच ऐड हुआ, 154 का एवरेज स्कोर है, बैलेंस्ड पिच है। रिसेंट मैच ये जो कल खेला गया था, यूएसए 168 पे 6, कनाडा की टीम 158 बना पाई। देखिए टोटल 13 विकेट चली गई, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 7। यहां आयरलैंड ने 161 किए, नीदरलैंड चार्ज नहीं कर पाया, 11 विकेट चली गई, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 1। स्कॉटलैंड ने 157 किए, आयरलैंड चार्ज कर गया, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 3, टोटल विकेट गई 13। यानी कि आप देखोगे 12-13 विकेट जा रही है, 12-13 विकेट जाती है। 2-3 प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो 2 या 3 विकेट निकाल सकते हैं, और ये चीज मैंने आपको कल भी बोली है। बाकी रन्स 160 के करीब के ही बन रहे, रन्स है वो 160 के समथिंग के ही बन रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना। बाकी यहां से 24 विकेट पेसर्स को मिली है, फर्स्ट इनिंग्स में 15, सेकंड में 9, स्पिनर्स को 11 विकेट मिली है, फर्स्ट में 5, सेकंड में 6 विकेट मिली है। पावर प्ले में क्या होता है, कल अगेन क्या हुआ, पावर प्ले में 1 विकेट चली गई, 58 पे 1, उसकी कनाडा की 42 पे 3। और यह चीज मैंने आपको बोली भी थी कि कनाडा के 1-2 विकेट जा सकती है पावर प्ले में, 42 पे 1, यानी कि आपको हर इनिंग्स में दिखेगी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 इनिंग्स ऐसी है 12 में से जहां पे पावर प्ले में विकेट नहीं गई, बाकी हर इनिंग्स में जा रही है, समझ रहे हो। तो वो चीज आपके लिए, देखिए स्मॉल लीग में ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो बड़े प्लेयर है रिस्क नहीं ले सकते, आपका मन नहीं करता कि ले लेते हैं चलो इसको टीम में, बट ग्रैंड लीग में आप इस कॉम्बिनेशन से टीम बनाओगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी 2 मैच खेले गए, दोनों के दोनों नीदरलैंड ने जीते हैं, यूएसए मैच नहीं जीत पाया, लेकिन कंपिटेबल मैच होगा। लास्ट मैच ये आपको याद है, ये आप देख सकते हैं, यूएसए 115, नीदरलैंड 217।
यहाँ पे आप देखोगे नीदरलैंड अगेन वॉन बुलवायो में ये मैच था, यूएसए ने 138 किए, नीदरलैंड ने 19 ओवर में टारगेट चेस कर दिया। यहाँ पे देखना मिचेल लेविएट के 68 थे, विक्रमजीत सिंह के 3 विकेट थे, बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए। स्कॉट एडवर्ड्स ने 81 किए, उसके अलावा जैक लॉयन कैचक 14+2, कायली क्लेन और पॉल मिक्रेन को 2-2 विकेट मिले। मोनाक पटेल फ्लॉप था, आरोन जोनस 34 थे, शायन जहांगीर 37 रन, यहाँ पे आप देखोगे एसवेन शालवैक 3 विकेट, डाइटसेल प्लस हरमीत सिंह को 1-1 विकेट मिला। यहाँ पे अगेन मोनाक पटेल एवरेज था, जॉनस फ्लोप थे, स्टेवन टेलर 26 थे, मैक्सो डाउट फ्लोप था, स्कॉट एडवर्ड 26 नोट आउट, पॉल मिक्रेन 2 विकेट। यानी कि पॉल मिक्रेन ने दोनों ही इनिंग्स में विकेट्स निकाली है, बाकी स्कॉट एडवर्ड्स के रन आए हैं, विक्रमजीत सिंह रन से नहीं लेकिन यहाँ पे 3 विकेट है जो कि जरूर निकाले। उसके अलावा बात करते हैं नीदरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11, देखिएगा मिचेल लेविएट और मैक्स ओडाउट ओपन करते हैं, विक्रमजीत सिंह फर्स्ट डाउन, स्कॉट एडवर्ड्स 2 डाउन, जैक लियोन कैचर 5 नंबर पे, रियान क्लेन है, नॉन क्रॉस है, काइली क्लेन है, ब्रैंडन ग्लोवर है, डैनियल डोरम है, पॉल वैन मिक्रेन, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। पावर प्ले में कौन आता है? काइली क्लेन पावर प्ले में आता है, पॉल मिक्रेन पावर प्ले में आता है। डेथ में कौन आता है? काइली क्लेन डेथ में गेंदबाजी करता है, पॉल वैन मिक्रेन है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले में एक ओवर शायद ब्रैंडन ग्लोवर का भी रहता है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। विकेट कीपिंग सेक्शन में स्कॉट एडवर्ड्स आपको मिलेंगे, समझ गए, देखिएगा 0 लास्ट मैच में 81-7, 2-72-65-1-31, तो ठीक नंबर्स है। हेड टू हेड 107 रन किए हैं 2 इनिंग्स में, इस वेन्यू पे 8 मैच में 19 का एवरेज है, T20 करियर 65 मैच में 19 का एवरेज रहता है, देखिए ठीक ठाक परफॉर्म है। लेकिन ये भी इनिंग्स आई है, ये जो आप देख सकते हैं ये आया था कनाडा के अगेंस्ट, तो एक ऐसा प्लेयर जिसको सभी लोग, जी हाँ जिसको सभी लोग लेके जाएंगे, लेकिन आप स्मॉल लीग में ना सही तो आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेके जा सकते हैं अगर विकेट कीपिंग में, क्योंकि आपको मोनाक पटेल दिखेंगे या फिर आप कह लीजिए कि आपको एंड्री गॉस दिखेगा, तो वहां पे फिर आप लोग है वो चांस ले सकते हो स्कॉट एडवर्ड्स पे। बैटिंग सेक्शन में आप देखोगे मिचेल लेविट का, आप देखोगे तो मिचेल लेविट 13-68-62-33, तो ठीक जा रहा है। हेड टू हेड एक मैच में 68 रन है, वेन्यू पे 4 मैच में 25 का एवरेज, T20 करियर 16 मैच में 40 का एवरेज है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा है कि लेविएट को भी आप चांस लेना चाहो तो आप ले सकते हो लेविएट पे, बाकी देखिए सेफ है क्योंकि सिलेक्शन बहुत होगा। मैक्सो डाउट के नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड 2 में 22 का एवरेज, वेन्यू पे 7 में 32 का, T20 करियर 71 में 29 का है, मैक्सो डाउट को मैं रखूंगा, विक्रमजीत सिंह को रखूंगा क्योंकि आपको रिसेंट में थोड़ी बहुत बॉलिंग भी दे रहे हैं। हेड टू हेड 1 में 3 विकेट, वेन्यू पे 5 में 0 विकेट है, T20 करियर 20 मैच में 16 का एवरेज, 0 विकेट है, आपके लिए कैप्टन चॉइसेस में भी रहेंगे कौन? विक्रमजीत सिंह, ध्यान में रखना। 9 क्रॉस का देखोगे तो एवरेज परफॉर्म आया है, उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं आई कि यार ऐसा हो कि हाँ लेके चलते हैं, एक मैच में 7 रन है, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 6 में 8 का एवरेज है। मुझे लगता है ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेगा, स्पेशली अगर नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, नौ क्रॉस आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकता है, अगर जहां पे आप मिचेल लेविएट स्कॉट एडवर्ड्स वहां पे ड्रॉप करके जाते हैं किसी कॉम्बिनेशन में, वहां पे फिर 9 क्रॉस को जरूर लेना। बाकी जैक लॉयन कैचर्ड का आप देखोगे 13+0, 14+2-1, यानी कि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों है, हेड टू हेड 1 में 2 विकेट, 14 रन, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 3 मैच में 13 का एवरेज, 3 विकेट है, लेने लायक प्लेयर है क्योंकि आपको 2 डाउन बैटिंग दे रहा है। रियान क्लेन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, एज ए ऑलराउंड एज ए गेंदबाज भी खेलते हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन गेंदबाजी कर ही नहीं रहे। हेड टू हेड 1 में 11 रन है, वेन्यू पे 2 में 1 विकेट है, T20 5 में 1, गेंदबाजी नहीं कर रहे लास्ट 2 मैच से, ना तो इन्होंने लास्ट मैच में यूएसए के अगेंस्ट की ना कनाडा के अगेंस्ट की, तो फिजूल खर्ची है अगर गेंदबाजी नहीं करे। काइली क्लेन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टार्ट में ही विकेट लेके दे रहे, आप देख सकते हैं बल्क में विकेट आई है लास्ट के 4 मैचों में। हेड टू हेड 1 में 2, वेन्यू पे 1 में 1, ओवरऑल 5 में 9,
ब्रैंडन ग्लोवर का आप देखोगे तो ब्रैंडन ग्लोवर का रिसेंट उतना खास गया नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे एक में जीरो, ओवरऑल 25 में 37। देखिए जिस तरीके से करियर है ना 25 में 37, यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज है, तो ब्रैंडन ग्लोवर मैं शायद ट्राई करूंगा। डैनियल डॉरम का आप देखोगे तो ठीक है, 1 में 0 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 4, ओवरऑल 5 में 7। पॉल मिक्रेन को मैं लेके जाऊंगा, आप देखिए नंबर ठीक है, हेड टू हेड 2 में 4, वेन्यू पे 3 में 5, ओवरऑल 66 में 74 विकेट है। तो यहाँ पे काइली, ब्रैंडन, पॉल मिक्रेन, ये 3 मेरे लिए थोड़ा सा मस्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पे मिक्रेन 4 ओवर डालते हैं, काइली डालते हैं, कैचोट डाल रहा है 3-4 ओवर, उसके अलावा आप देखोगे डॉरम डाल रहा है, विक्रमजीत सिंह और ब्रैंडन ग्लोवर, ब्रैंडन ग्लोवर यहाँ थे नहीं और यहाँ पे 2 ही ओवर डाले थे क्योंकि पिटाई हुई थी, वाइड वगैरह काफी डाले थे, समझ गए। आगे बैंस से किंगमा अगर वापस आते हैं, आर्यन दत्त आते हैं, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। बात करते हैं यूएसए की प्लेइंग 11, मोनांक पटेल, सतेजा, मुकमल्ला, एंड्री गौज, आरोन जोनस, नीतीश कुमार, शायन जहांगीर, शानवेन शालवेक, हरमीत सिंह, जॉनी ड्राइडसेल, जसदीप सिंह, नौस्तुज खांगीजे, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। जसदीप पावरप्ले में आते हैं, हरमीत पावरप्ले में आते हैं, उसके अलावा आप देखोगे तो ड्राइडसेल भी पावरप्ले में आता है। डेथ में आपको पता है डेथ में कौन आता है, डेथ में शालविक आता है, और उसके अलावा जसदीप सिंह भी डेथ में गेंदबाजी करते हैं। मोनांक पटेल की बात करते हैं, रिसेंट नंबर उतने अच्छे नहीं है, यहाँ पे हेड टू हेड 2 में 23 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 16, ओवरऑल 27 में 23, बट मैं लेके जाऊंगा अगेन एंड्रे गोज को, मैं लेके जाऊंगा। नंबर्स आप देखोगे उतने बेहतर नहीं, हेड टू हेड 1 में 1, वेन्यू पे 1 में 21, ओवरऑल 12 में 34, लेकिन मैं इन दोनों को लेके जाऊंगा। एंड्रे गोज और मोनांक पटेल आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन बन सकते हैं, ध्यान में रखना इस चीज को, दोनों में से एक रन कर सकता है। उसके बाद सैतेजा मुकमल्ला का देखोगे लास्ट मैच में कैनेडा के अगेंस्ट बहुत शानदार 52 रन किए, 21-55, हेड टू हेड है नहीं, वेन्यू पे 1 में 52, ओवरऑल 1 में 52। अब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि काइली क्लैन दिक्कतें कर सकते हैं, तो आप छोड़ सकते हो सैतेजा को। आरोन जोनस को मैं लेके जाऊंगा क्योंकि लास्ट मैच में गेंदबाजी से 2 विकेट निकाली है, 34 है 50 है 47, 2 मैच में 24 का एवरेज है, जब नीदरलैंड को खेलते हैं, वेन्यू पे 1 में 5, ओवरऑल 32 में 226 का एवरेज है, सॉरी 226 का। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये 26 का है ऑनली। उसके अलावा नीतीश कुमार का देखोगे रिसेंट नंबर खराब है, हेड टू हेड 1 में 6, वेन्यू पे 1 में 14, ओवरऑल 28 में 29 का एवरेज, 7 विकेट है, कभी कभी गेंदबाजी करते हैं नीतीश कुमार, तो ध्यान में रखना। डिफरेंशियल पिक आपके लिए यहां से नीतीश कुमार और यहां से शायनी जहांगीर, इन दोनों में से एक आपके लिए परफॉर्म कर सकता है और आपको ड्रीम टीम में मिल सकता है। जहांगीर का आप देखोगे तो 57 और ये 37 ठीक है, हेड टू हेड 1 में 37, वेन्यू पे 1 में 15 का, ओवरऑल 6 में 18 का एवरेज है, तो ध्यान में रखना इन दोनों में से। शानवेन को मैं लेके जाऊंगा भाई, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, नंबर्स अच्छे दिखे हैं मुझे, हेड टू हेड 1 में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 12 में 12। हरमीत सिंह को मैं लेके जाऊंगा क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ठीक है, हेड टू हेड 1 में 1, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 12 में 10 विकेट है। बाकी राइट सेल का आप देखोगे तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, बल्क में विकेट नहीं आई, 1 में 1 नीदरलैंड के सामने, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 3 में 2। जसदीप सिंह के भी विकेट्स आई नहीं है लास्ट के 2 मैच में, हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 14 में 13, बट मैं लेके जाऊंगा इस मैच में अगेन, लास्ट मैच में लेके गया, हम जीत गए यार, विकेट निकाले ना निकाले, बट अगेन मैं लेके जाऊंगा। नौस्तुज खांगीजे 2-0-0 17+2-1, हेड टू हेड 1 में 0 है, वेन्यू पे 1 में 2 विकेट, ओवरऑल 11 में 9, तो नौस्तुज खांगीजे शायद मेरी टीम में नहीं बनेंगे। बाकी देखोगे ओवर्स में जसदीप सिंह डालते हैं, शालविक डालता है, उसके अलावा हरमीत सिंह, ये 3 मेन है जो 4-4 ओवर डालते हैं, बाकी आप देखोगे तो खांगीजे और ड्राइडसेल ये रहेंगे ऑप्शन में, समझ गए। बाकी आपको पता है कौन गेंदबाजी करता है, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में खांगीजे भी आते हैं, ड्राइडसेल, जसदीप सिंह, फिर आपको शालविक, हरमीत सिंह और जसदीप सिंह डेथ में दिखेंगे। बैंस से यहाँ पे अली खान एक ऑप्शन है बट खिला नहीं रहे अली खान को। बाकी आप देखोगे प्लेयर्स बैटल में
तो प्लेयर्स पैनल में ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। लैविएट को एक बार हरमीत सिंह ने, मैक्सो डाउड को शाल्विक ने एक बार, शाल्विक ने विक्रमजीत सिंह को एक बार, स्कॉट एडवर्ड्स का कोई मैचअप नहीं, जैक लियान का डैडसेल ने एक बार, रियान क्लेन को एक बार, शाल्विक ने, उसके अलावा मोनाक पटेल को आर्यन दत्त ने एक बार, सैतेजा का कोई मैचअप नहीं, एंड्री गोज को क्लेन ने एक बार आउट किया, आरोन जोनस को विक्रमजीत सिंह ने एक बार आउट किया, नीतीश कुमार को कायली ने एक बार, विक्रमजीत सिंह ने जहांगीर को एक बार। कोई बड़ा मैचअप नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको टीम बताता हूं, देखिएगा, एंड्री गोज एज ए वाइस कैप्टन, मोनाक पटेल, आरोन जोनस कैप्टन, मैंने विक्रमजीत सिंह को रखा, लैविएट है, आप लैविएट की जगह मैक्स ओ डाउड रख सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। हरमीत सिंह है, एस्वेन साल्विक है, के क्लैन है, पॉल मिक्रेन, जसदीप सिंह और ग्लोवर है, ये 11 प्लेयर्स मुझे लगता है ये फाइनल भी हो सकते हैं। बाकी जो दो तीन मैंने आपको प्लेयर बताए हैं ना, जो मैंने आपको बोला है कि आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करना, कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, वो चीजें आपको करनी है, उस चीजों के अकॉर्डिंग आपको फिर कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं, जो कि आपको बता दिए, ऊपर से आप किसको ड्रॉप करेंगे तो कौन डिफरेंशियल बन सकता है। वीडियो में जाके अगर सीधा टीम देखने आए हो तो जाके देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।